बीए में तो मोटे मोटे वर्ड देख के एकदम पैंट में सुस हो जाती है। माई 11th वॉज ऑनलाइन एंड आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल इन ऑनलाइन एंड फिर मेरे एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए थे 11th में एंड उसमें कंपार्टमेंट आ गई थी। मैंने इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा था कि लग रहा था कि ऐसे घर में किसी मौसी से मिलने जा रहा। तो फिर मैंने पापा से बोला लैपटॉप दिला दो, वो कहते पहले आई एम जॉब फिर लैपटॉप की भीख मांगने आना हमारे पास। और अभी तक मुझे लैपटॉप नहीं मिला है। फ्लैट में आई वुड से कि वो बैकअप थोड़ा कंफर्म सा था। इट इज अ मच इजियर पेपर रिलेटिवली एज कम्पेयर टू आई मैट आई वुड से। नो ऑफेंस टू एनी लॉ एस्पिरेंट, ये रोज तक तो बताते भी नहीं, एक तो मार्क्स नहीं बताते, ये लोग बहुत बुरी बात है। इनकी रोल मॉडल के तो हो नहीं मैं किसी के, ना मैं बनने वाला हूँ ऐसे हालत में। तो एक तो आप फुल ड्रॉपर हो, वैसे आप गाजियाबादी हो, so in that case you were not in the right place mentally and physically. So how big of a challenge was that for you to overcome? Hey folks, Saksham this side from Ace IPM. In this episode of Aced It, wherein we talk to people who have aced their IPMAT examination and are going to be a part of the IPM program of various IIMs. In this video, we are going to talk to Sajal, who was the student of the Aspire batch at Ace IPM. He has cracked IIM Indore this year with an All India rank of 34. In this video, we are going to talk about his journey for preparing for this examination, the setbacks that he faced during it and how did he overcome them, and how did Ace IPM help him with this overall preparation journey. So without any further ado, let's begin. And Sajal, can you please introduce yourself to the audience? Thank you, Saksham. We are definitely. So I had commerce as my background without maths, and I had scored 89% in 12th and 93 in 10th. In IPMAT, I had an aggregate score of 214 with 32 in short answer, 38 in MCQ and 144 in VA. So the push in VA definitely helped me a lot to cover my aggregate score, and the ATS was around 62. So my interview really played a crucial part in my selection process, and definitely Saksham Bhaiya as a mentor definitely helped me in the mock interview process, and I would say that's it. All right. चलिए आपकी प्रिपरेशन पे आते हैं। बिफोर दैट यू आर अ ड्रॉपर राइट, फुल ड्रॉपर। यस। सो इससे पहले यू गेव आई पी मैट लास्ट ईयर एंड यू क्वालिफाइड देन एज वेल। आपका इंटरव्यू सिलेक्शन आ गया था पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। व्हाट डू यू थिंक वर द रीजंस कि पिछले साल नहीं हो पाया, पिछले साल प्रिपरेशन टाइम कम था, या यू नो व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन लास्ट ईयर कि लास्ट ईयर आपका क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन? ओके, सो आई पी मैट के बारे में तो एक तो मुझे 12th बोर्ड्स के बाद पता चला था लास्ट ईयर। सो 2023 अप्रैल मार्च आई वुड से मार्च एंड तक, एंड उसके बाद आई हैड जॉइन एन ऑफलाइन कोचिंग विद माय फादर सजेस्टेड बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट आई पी मैट एज सच। सो तब पता नहीं कैसे हो गया, मैं नॉन मैथ्स था, एक तो इतना समझ नहीं आते थे टॉपिक्स मुझे, मैथ्स डिटरमिनेंट पता ही नहीं था क्या होता है ये सब। फिर डेफिनेटली कुछ कुछ टॉपिक फोकस करके किया था क्लियर, बट आई हैड स्कोर्ड 193। सो डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं है वो कि ये कन्वर्ट हो जाए, सीट मिल जाए। एंड उसके बाद भी माई इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल, लाइक एवरेज से भी काफ़ी नीचे था, क्योंकि मेरे 11th के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। 11th में डेफिनेटली थोड़ा पीछे था मैं अपने पीयर्स से बिकॉज माई 11th वॉज ऑनलाइन एंड आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल इन ऑनलाइन। एंड फिर मेरे एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए थे 11th में एंड उसमें कंपार्टमेंट आ गई थी, तो फिर उससे मेरे 12th का भी एक दो हफ्ते पीछे हो गया था। तो वो थोड़ा पीछे पीछे कवर करने में मेरा ज़्यादा टाइम चला गया, तो मेरे बेसिक्स उसमें रह गए पीछे। एंड तो उसके लिए इंटरव्यू में ज़्यादा वो बेसिक्स पार्ट तो तुम्हारे देखते हैं कि तुम्हें कितनी कोर नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, तो वो मैं उनको बता नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास है ही थी नहीं वो नॉलेज। और फिर उसी के लिए काफ़ी मैं ग्रिल हो गया था कुछ चीज़ों पे, दो तीन चीज़ों पे, और इंटरव्यू मेरा 5 मिनट में उन्होंने करके भगा दिया था मुझे। और फिर मेरा मतलब कंसिड्रेशन पूल था डेफिनेटली, बट वेट लिस्ट 300 थी तो ना के बराबर ही था। सो फेयर इनफ। सो आपने लास्ट ईयर दिया, यू क्वालिफाइड एज अ स्टूडेंट हु वाज नॉन मैथ, जिसने बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन चालू करी है। आप जिस स्कोर पे आए हैं, जिस इंटरव्यू के बाद आपका जो वेटलिस्ट रैंक भी आया है, आई वुड से दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू हैव डन। तो उस केस में आपका आई पी मैट का दिख रहा था कि डायरेक्शन अच्छा बन रहा है, कि आपने पिछले साल भी अच्छा करा है, तो उसके बाद आपको इतना इंडिसाइसिव होने की ज़रूरत क्या थी? आप पहले आपने जर्नलिज्म का कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने फ्लैट भी दे दिया, उधर भी रैंक आ गई आपकी, उसके बाद आपने आई पी मैट भी दे दिया, इधर भी रैंक आ गई आपकी। सो इन दैट केस इतना स्विच क्यों इन टर्म्स ऑफ करियर? स्विच नहीं बोलूँगा मैं तो, इससे ज़्यादा फैमिली प्रेशर बोलूँगा, क्योंकि ये फुल ड्रॉप का डेफिनेटली थोड़ा वो था कि डर था कि ऐसे एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ तो ज्वाइन कर लो, कुछ तो कर लो, ऐसा था कि बाद में तो MBA हो ही जाएगा कैसे भी करके। तो उसके लिए मतलब DU में मैंने भरे थे कुछ कुछ कॉलेज, बट डेफिनेटली लाइक लास्ट ईयर 16 जून को IPMAT था और 13 जून को मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स का CUET था, तो मुझे एक चीज़ पर फोकस करनी थी तो मैं IPMAT पे ही किया था।
तो उससे मेरा CUET का स्कोर कम था, अराउंड 680 था। तो उससे मुझे लाइक ऑफ कैंपस कॉलेजेस मिलते जो मैंने भरे ही नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंस में था कि कुछ तो मिल जाएगा साउथ में अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एंड में भर दिया था लाइक एज अ बैकअप जर्नलिज्म भर दिया था मैंने कोर्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म विच इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ कैंपस फॉर्चुनेटली। तो फिर आई एक्सपीरियंस द नॉर्थ कैंपस लाइफ विच वॉज आई वुड से अमेजिंग, इट वाज़ वेरी फन एंड डेफिनेटली अ वाइब्रेंट कैंपस। बट डेफिनेटली उस फील्ड में मुझे जाना नहीं था तो मैंने लाइक दिसंबर में छोड़ दिया था। एंड आफ्टर दैट आई अपीयर्ड फॉर क्लैट एज वेल विच वॉज इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। सो वो भी ऐसा लाइक कुछ बैकअप हो जाए कि कन्फर्म हो जाए कि एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, क्योंकि IP मैट इज़ डेफिनेटली थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। प्रिपरेशन में तुम्हें कितने भी अच्छा हो जाओ तुम्हें एग्ज़ाम में जाके थोड़ा हो जाता है। तो क्लैट में आई वुड से कि वो बैकअप थोड़ा कन्फर्म सा था बिकॉज इट इज़ अ मच ईजियर पेपर रिलेटिवली एज कम्पेयर टू IP मैट आई वुड से। नो ऑफेंस टू एनी लॉ एस्पिरेंट्स बट स्टिल। सो क्लैट में आई हैड स्कोर्ड का याद नहीं बट आई हैड स्कोर्ड रैंक मेरी थी AIR 508। सो आई वॉज गेटिंग द टॉप Tier 2 NLU एंड वैकेंसीज मिल जाते Tier 1 NLU, बट उसके पहले मेरा IP मैट का आ गया तो आई वॉज काफ़ी कॉन्फिडेंट कि IP मैट हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने उस पर फोकस नहीं किया था। फेयर एनफ। तो आपने बताया दैट यू वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म विच इन इट्सेल्फ इज ऑल्सो अ गुड इंस्टीट्यूट बट दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू गो फॉर। सो उसकी वजह से आपने फुल ड्रॉप ले लिया। हाँ जी। तो एक तो आप फुल ड्रॉपर हो पर से आप गाजियाबादी हो, सो इन दैट केस यू वर नॉट इन अ राइट प्लेस मेंटली एंड फिजिकली। सो हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज वॉज दैट फॉर यू टू ओवरकम, बिकॉज आई एम श्योर फैमिली प्रेशर भी रहा होगा। आपने फैमिली प्रेशर में आके DSJ भी ज्वाइन कर लिया, फैमिली प्रेशर भी रहा होगा, तू घर में पड़ा रहता है पूरे दिन, तू पढ़ता है नहीं पढ़ता है, घर वाले भी की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है जब यू नो देर इन्वेस्टिंग सो मच इन योर फ्यूचर। सो इन दैट केस हाउ वॉज द इन्वायरमेंट लाइक, हाउ डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट यू थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू देन यू नो प्रिपेयर? यू ज्वाइंड एस्पायर बैच आई थिंक समवेयर अराउंड ऑगस्ट, preparing with us for almost a, you know, you prepared with us for almost a year now. तो तब से आपकी preparation journey कैसी रही, ups and downs क्या थे और parental support कैसा था आपका? Parents I would say अच्छा था support, क्योंकि मेरे as मैंने mention किया था मेरे dad ने मेरे को पहले introduce कराया था offline coaching के लिए IP mat के लिए। सो उनका तो वही था कि मैं जाऊँ IIM, उनका भी like कुछ तो था कि इसमें है ये बात, पता नहीं मुझे तो नहीं दिखा हुआ अभी तक, बट उनको लगा कि जाएगा IIM, आ गया फिर पता नहीं कहाँ से। और फिर मॉम की तरफ से भी सही था मतलब, बट वो इतना जज भी नहीं करते थे मेरे को बाहर जाने के लिए, कि इतना फोर्स नहीं करते थे कुछ खेल लो वेल लो। मतलब मैं घर में पढ़े रहता था, ठीक है थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लिया, सो गया, बस यही था मेरा दिसंबर के। मैं कहता हूँ जनवरी से मार्च तक मेरा यही शेड्यूल था पूरा, फिर उसके बाद अप्रैल में सोना कम किया थोड़ा, फिर और IP मैट के लिए फुल ब्लो प्रिपरेशन। तो आपने आपके हिसाब से आपने मेजर जो प्रिपरेशन करी वो अप्रैल मई और जून में ही करी है, फर्स्ट हाफ ऑफ जून? हाँ वो तो करना ही पड़ जाता है क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है एग्जाम का कि एक महीने में एग्जाम है, 10 घंटे बैठ भी नहीं तो होगा ही नहीं दैट। तो उससे पहले आप अप्रैल से पहले पढ़ रहे थे? पढ़ रहा था बट ऐसा बोलूँगा कि मेरे मॉक्स तो बताते हैं कि नहीं पढ़ रहा था क्योंकि थोड़ा वो कम थे स्कोर, बट मैं कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रहा था उस टाइम पर। और फिर जब मेरा वो एकदम पेस पकड़ गया डेली पढ़ने का, उसके बाद मैंने अपने आर्ट्स इंक्रीज कर। तो इन दैट केस अगर आपका यही सीन चल रहा है तो अगर हम ये बोलते हैं कि आपने फुल ड्रॉप लिया पर मेजर पढ़ाई आपने लास्ट के 3 महीने में ही करी है, तो अगर कोई पार्शियल ड्रॉप लेता है पर वो इंसान डिसिप्लिन्ड है, परसेवेयर कर सकता है और यू नो ही कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट व्हेन ही इज टेकिंग अ ड्रॉप अलॉन्ग विद अ कॉलेज, बट ही इज गिविंग 2-3 hours अ डे फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ 8-9 months दैट ही हैज फॉर प्रिपरेशन एंड देन ही अपेयर्स फॉर IP मैट एग्जामिनेशन, डू यू थिंक ही हैज अ शॉट? डेफिनेटली। मैं तो कहता हूँ IP मैट के लिए तुम 2 हफ्ते में भी पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास वो थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट नॉलेज हो, थोड़ा सा तुम्हारे पास मैथ्स के लिए नैक हो लर्निंग का तुम्हारा। हमारे पास कैसे था, तुम तो नॉन मैथ हो। नॉन मैथ होना थोड़ा अलग बात है, तुम्हारा पता नहीं क्या था मेरे पास ऐसा कि मैथ्स मुझे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मुझे मज़ा आता है कि ऐसे होगा अब आंसर आ रहा है सही आ रहा है, तो ऐसे ही आंसर मैच क्या आया मेरा पीछे मैच क्या, तो बहुत मज़ा आता है। तो वो मेरे में है कुछ वैसा लगता है, तो इतना बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बट है थोड़ा। और VA में मेरा बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि VA में तो मोटे मोटे वर्ड देख के एकदम पैंट में सुस हो जाती है। तो ऐसा था कि थोड़ा कि VA वॉज थोड़ा आई वुड से कम वीक नहीं था बट एवरेज था, कि मैं बात पढ़ने का मन नहीं करता मतलब VA बोरिंग हो जाती है, गॉड इट, नींद आ जाती है VA पढ़ के। फेयर इनफ। तो फिर पार्शियल ड्रॉप में भी आई वुड से अगर किसी का एक भी कुछ स्ट्रांग है, क्योंकि बस मैथ्स और VA मेन इंदौर के लिए तो मेन है भैया, एक भी तुम्हारा कुछ स्ट्रांग है तो तुम अपना बाकी पार्ट कवर कर सकते हो, अपना
ऑलरेडी स्ट्रेंथन पार्ट को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते करते, तो पार्शियल ड्रॉप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से। बट मैंने तो नहीं लिया, मैं तो गताऊँ थोड़ा, पर मेरे को इतना अच्छे कॉलेज मिल भी नहीं रहता उस टाइम पे, तो जो मिला उससे ले रहा था। बट पार्शियल ड्रॉप इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आपने ड्रॉप लिया, आपने प्रिपरेशन चालू करी, यू ज्वाइंड एसआईपीएम्स एस्पायर बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड यू चूज एसआईपीएम फॉर योर प्रिपरेशन? आपके पेरेंट्स ने तब भी बोला होगा आपको एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द अपील फॉर दैट कि हाँ भाई बच्चा जा रहा है तो जबरदस्ती उसे आप भेज दोगे तो शायद वो पढ़ ले। आपने जैसे ऑनलाइन तो लिया, पर आप खुद बोल रहे हो कि मेजर पढ़ाई आपने अप्रैल से चालू करी है, सो व्हाई डिड यू चूज एसआईपीएम एज एन ऑनलाइन ऑप्शन, एंड साथ में हाउ डिड एसआईपीएम हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन? फर्स्टली जब मैं आई पी मैट के वीडियो स्क्रॉल करता था यूट्यूब पे, तो मुझे एस आई पी एम का सक्षम भी आ गया दिखा था कि एज अ नॉन मैथ्स वो आई एम में कैसे गए, तो वो थोड़ा रिलेटेबल वाला हो गया था कि वहाँ पे ऐसे नॉन मैथ्स हैं आई एम जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर हाँ सही है। फिर उसके बाद एक इनने वीडियो डाली थी पार्टी वाली लास्ट ईयर की, तो उसमें फिर मुझे पता चला कि 150 के बैच में 50 बच्चे इनकी हैं, ऐसे कैसे हो, क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा रिसर्च करा मैंने, तो देखा अच्छा हाँ सही है, बढ़िया हैं लोग हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। पर उसके लिए उतना पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, उनने बोला कि तुम ऑफलाइन जाके भी क्या ही किया तुमने इतना लास्ट ईयर। तो फिर उनने बोला कि जो तुम्हें करना तुम्हें खुद ही पढ़ना होगा, तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो जो बेस्ट है। मैंने कर लिया बेस्ट डिसाइड। सो इन दैट केस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? आई वुड से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था ओवरऑल। तुम जैसे पोर्टल बहुत अच्छा है, स्मूद है, लैग कभी कभी कर जाता है, डाउन हो जाता है, कोई बात नहीं, उतना चलता है सभी का। और लाइव क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, जो रात 2 बजे तक चले, 4 बजे तक चले, फ़र्क नहीं पड़ता, पर काफ़ी अच्छा है। सो अपने भैया भी बहुत हेल्पफुल हैं, और एज अ मेंटोर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, और मॉक्स भी आई वुड से टॉप नॉच। ऑल राइट, आपने मॉक्स की बात करी, सो इन टर्म्स ऑफ मॉक स्कोर्स हाउ वाज इट लाइक? आप कह रहे हो कि पहले तो मॉक स्कोर यू नो बताने लायक भी नहीं है, पर फिर भी अगर आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे तो मॉक की आपकी जर्नी कैसी रही? क्या वो एक स्टडी अपवर्ड कर्व था, ऊपर नीचे हो रहा था, एंड हाउ डिड यू नो गो अबाउट सॉल्विंग मॉक्स? कितने मॉक्स करे आपने, और आपने क्या मॉक्स एनालाइज करे या नहीं करे? स्टडी कर्व आई वुड से स्टडी तो नहीं था, कर्व था काफ़ी, एक टाइम पे जाके कभी स्टेगनेंट हो ही नहीं रहते मेरे मार्क्स, कि कभी मेरे 190 आ गए, एक दो बार मेरे 200 कभी आए नहीं है। एज एन आई वुड से बहुत इजी पेपर में 200 आते थे, जो बहुत ही ईजी मार्क्स होते हैं, जनरली 190-180, कभी मेरे 100 के नीचे आ रहे हैं ओवरऑल, कभी मेरे 120 के अराउंड आ रहे हैं, तो ऐसा चलता रहता था। तो फिर उतना तो आप लोग भी वैसे जब जूम मीट्स लेते थे तो आप बता देते कि इतना फोकस मत करो, कि बस एनालाइज करने पर ध्यान दो, तो वो मेरा उतना फिर मेरे को हो गया था कि इतने कम मॉक्स आ रहे हैं, तो मेरे को ऐसे रोने वाली हालत होती नहीं थी स्टार्टिंग में, होती थी पहले कि इतने कम आ रहे हैं हम कैसे हुआ है हम, बाद में फिर जाके मेरे को समझ गया कि डिफ़िकल्टी मैटर्स काफ़ी ज़्यादा, और फिर उस टाइम का तुम्हारा प्रेशर क्या है, तुम्हारे आसपास का चल रहा है वो भी, तुम्हारा थोड़ा मेंटल प्रेशर भी होता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है मॉक्स का स्कोर। बट एनालिसिस इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है उससे, क्योंकि उससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट्स एक्चुअली तुम कवर कर सकते हो, तुम एक्चुअली उस पार्ट्स का आंसर कर सकते हो इन दैट एग्ज़ाम का टाइम वाला प्रेशर। जैसे मैं तो कह दूं कि मेरा टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस सब कुछ हो रखा है, बट अगर मेरा वो एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में और वो मेरे से एक नहीं बन रहा है, तो क्या फ़ायदा पूरा चैप्टर करने का? तो वो तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम्हें इस चैप्टर के एक सब टॉपिक में कौन से पार्ट पे तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, और तुम किस वजह से उसको बना नहीं पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारा टाइम कंस्ट्रेंट है, या तुम्हारा कंसेप्चुअल गैप है वहाँ पे, या फिर तुम्हारा थोड़ा जैसे तुमने बेसिक लेवल पे कवर किया है, तो तुम्हें 2 लेवल और ऊपर कवर करना पड़ेगा ऐसे टॉपिक्स के लिए। तो आई वुड से इतना तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में। एंड ये क्वांट्स के लिए था बेसिकली, एंड वी ए में भी आई वुड से कि वो कैब ऐसी चीज़ है, इट इज़ वेरी वास्ट, तो तुम कभी कवर ही नहीं कर सकते सारा। सो उसके लिए एनालाइज करके क्या होता है कि तुम्हें जितने ज़्यादा वर्ड्स तुम ग्रास कर पाओ, जितने ज़्यादा तुम्हें यूज टू ओ वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा ये फाइनल पेपर में। तो एनालिसिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। फेयर इनफ। अब अगर हम बात करते हैं आपके इंटरव्यूज़ की, अब आपने 214 का मेरे को स्कोर बताया, राइट? सो 214 इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर आई वुड से, या इट इज़ डेफिनेटली यू हैव दैट मार्जिन अबव कट ऑफ दैट यू स्टैंड अ चांस, बट देर आर पीपल यू नो हु हैव स्टडीड विद अस एज वेल, जिनके आपसे ज़्यादा स्कोर थे, बट जब हम उनके फाइनल रैंक देखते हैं तो आपसे पीछे हैं। ठीक है, कुछ लोग सेलेक्ट हुए बट पीछे वाली रैंक पे हुए, कुछ लोग सेलेक्ट हो भी नहीं पाए हैं।
सो ऐसा आपने क्या जादू कर दिया इंटरव्यू में जो आपके इंदौर में इतना अच्छा रैंक आया है, और वो जादू आप रोहतक में रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ तो आपका यू नो आप हमारे रोहतक के रिएक्शन वीडियो में थे, तब तो आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे और आपका शॉर्ट लिस्ट भी आया, पर आप रोहतक में वेटलिस्टेड रह के आपका इंदौर सेलेक्शन हो गया, तो इसके पीछे राज क्या है? देखो मेन इंटरव्यूज़ का क्या है, इन लोगों को तुम्हारा अकेडमिक्स देखना होता है, और इंदौर में मेरे से अकेडमिक्स बहुत ही कम पूछे थे, और डेफिनेटली पैनलिस्ट भी काफ़ी स्वीट थे, उनने इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा था कि लग रहा था कि ऐसे घर में किसी मौसी से मिलने जा रहे हो, वैसा था वो, हंस रही थी ऐसे कहते, टॉफ़ी वगैरह थी नहीं बट अगर होती तो खिला ही देती हैं एक दो, इतना मतलब स्वीट सा इन्वायरमेंट था वहाँ पे, और आते उन्होंने लाइक ग्रीट वीट किया, नॉर्मल था काफ़ी, मतलब चिल था, और थोड़ा उनने बेसिक अकाउंट्स तो डेफिनेटली पूछेंगे क्योंकि एकदम गधा भी नहीं चाहिए उनको, बट फिर मुझे लगता है उनने कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया, लाइक कॉन्वर्सेशन स्किल्स एज एन तुम बात कब रोक रहे हो अपनी, कैसी बातें बना रहे हो, कितना एडुकेट अमाउंट ऑफ इन्फो तुम उनको दे रहे हो, और उसके अलावा भी तुमने जब उन्हें हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट पे फोकस किया तो हमारा थोड़ा लाइक मैच हो रहा था म्यूज़िक वगैरह का इंटरेस्ट, तो उसमें भी हम ऐसे बातें करने लगे थे आर्टिस्ट वगैरह के नाम में, तो बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वो था, तो आई वुड से कि काफ़ी लक फैक्टर था मेरा, इंदौर के पैनलिस्ट अच्छे थे, एंड रोहतक में एकदम अपोजिट केस था, उनने सिर्फ अकेडमिक्स पूछे, उनने बहुत ही एकदम वास्ट सा एक्सटेम्पोरी दिया जिसमें मैं बोले जा रहा हूँ रुकने। क्या टॉपिक था आपका एक्सटेम्पोरी में? एक्सटेम्पोरी में इलेक्शंस था टॉपिक, बट कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इलेक्शंस 2024 बोला। गॉट इट। तो उसमें मैं बोलते गया, थोड़ा सा बायस वायस भी आ गया उधर, तो मुझे लगता है उधर काफ़ी पॉइंट्स कटे मेरे, और अकेडमिक्स उनने आई वुड से थोड़ा सा टफ पूछा, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछे जो मैंने कभी सुने ही नहीं, मैं वैसे थोड़ा सा ऐसे हिल गया था वहाँ पे, तो फिर एक दो बार हिल जाते हो तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस डूब जाता है तुम्हारा, हो गया था थोड़ा। एंड रोहतक में पता नहीं है, रोहतक तो बताते भी नहीं, एक तो मार्क्स नहीं बताते ये लोग, बहुत बुरी बात है इनकी, तो फिर कुछ आइडिया भी नहीं लग सकता। इंदौर में तो थोड़ा था कि एक बार इंटरव्यू अच्छा चले जाता तो पक्का ही कन्फर्म है कि हो ही जाएगा, क्योंकि 210 के अराउंड ही काफ़ी ज़्यादा लोगों के थे मैंने जिनसे बात करी थी, तो मेन कॉम्पिटिशन इसी एरिया स्कोर में था, तो आई वुड से इंटरव्यू काफ़ी अच्छा मतलब रोल प्ले किया है सिलेक्शन में मेरा, इंटरव्यू का मेजर। फेयर इनफ। सो अगर हम आपकी बात करें, आपको बच्चे आई थिंक पहले से जानते होंगे, आप हमारे रोहतक रिएक्शन वीडियो में भी थे, आप उसके थंबनेल में भी थे, आप इंदौर रिएक्शन वीडियो में भी थे, आप अभी हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, अब एक पार्टी हो गया है इंदौर के बच्चों के साथ, अब वहाँ भी टपक जाएंगे, तो अब आप इतने अटेंशन सीकर क्यों हैं? इज देयर एनी अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट? अल्टीरियर का मैं तो बता रहा हूँ, सीधा मोटिव है मेरा, मुझे क्लाउड चाहिए, मुझे फेमस होना है, मैं तो चाहता हूँ मैं सोशल मीडिया बनाऊंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा दबा के, यही चाहता हूँ मैं तो। तो आपने अभी जैसे आप आई थिंक मैं आपका जब इंटरव्यू वगैरह भी ले रहा था, आई टॉक टू यू, सो यू मैंशन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव डन ऑन अ साइड, सो ड्रॉप के साथ साथ क्या क्या चीज़ ऐसी करी थी यू नो जो आपकी शायद CV में गई हो, या फिर यू नो दैट जस्ट हेल्प यू बिकम बेटर एज अ पर्सन एंड एज अ मैनेजर और एज अ कम्युनिकेटर? हाँ तो मैं तो लाइक टेकी हूँ काफ़ी, तो मैं घुसा ही रहता था लैपटॉप में पूरे टाइम, लाइक 11th मेरी ऑनलाइन थी तो मैं पूरे टाइम लैपटॉप में घुसा रहता था, तो गेम्स खेल लूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँ, फोटोशॉप कर दूँ, तो मैं कुछ को ऐसे एक्सप्लोर करता ही रहता था नई नई चीज़ें, तो उसमें फिर मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी वो लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो और तुम उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हो एक स्क्रीन पे और दिखा पा रहे हो पूरी दुनिया को विदाउट इवन लाइक यूजिंग अ ब्रश और समथिंग, तो दैट इज़ वेरी उसमें काफ़ी मतलब वो है, एक बार सोचेंगे तो काफ़ी अजीब सा है, मतलब इतना तुम्हें क्रिएटिव भी होना पड़ता है और फिर तुम्हें क्रिएटिव नहीं भी होना पड़ता है, जो बस तुम सोच रहे हो वो तुम उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, और वीडियो एडिटिंग का भी सेम ही है, बट वीडियो एडिटिंग काफ़ी टाइम इंटेंसिव है तो मैं जनरली अवॉइड करता था, सो आई स्पेंड माई टाइम ऑन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एंड थोड़ा सा था, बट उसके बाद मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया और डेफिनेटली ड्रॉप ईयर था, और जर्नलिज्म में मैं एनरोल्ड था, वहाँ पे लैपटॉप का मुझे लगता नहीं उतना कुछ काम होता फर्स्ट ईयर में तो एज सच, तो फिर मैंने पापा से बोला लैपटॉप दिला दो, वो कहते पहले IIM जाओ फिर लैपटॉप की भीख मांगने आना हमारे पास, और अभी तक मुझे लैपटॉप नहीं मिला है, देख लो ये ऐसे पेरेंट्स वैसे बिलीव मत किया करो ये सब बकवास में। चलिए बढ़िया है, तो आपके काफ़ी सारे जूनियर्स अभी देख रहे होंगे वीडियो, जो यू नो दे लुक अप टू यू स्पेशली गिवन दैट यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट एंड आपने एग्जाम जाके फोड़ा है, इंटरव्यू जाके फोड़ा है, सो एनी टिप दैट यू कैन गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स अबाउट हाउ टू शुड दे प्लान आउट देयर IPMAT प्रिपरेशन जर्नी? कुछ टिप्स सबके लिए कॉमन होंगी, कुछ टिप्स काफ़ी पर्सनल होंगी, और डेफिनेटली सारी टिप्स एक किसी पर्सन पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी जर्नी अपने हिसाब से अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब अलग अलग घरों से हैं, सबका अलग माहौल चलता है, सबके दिमाग अलग हैं, तो मेनली वही है, बट
एक एक ही टिप मैं दूंगा कि स्टे कंसिस्टेंट. तुम दिन का एक घंटा भी दे रहे हो तो वो रोज़ दो. वो तुम रोज़ दोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी वो सेट हो जाता है कि मुझे रोज़ ये करना है, मेरे को ये फिर से करना है. कुछ मिस हो रहा है तो खुद ही गिल्ट फील होगा कि यार आज नहीं पढ़ा, अब क्या करूँ. तो फिर तुम्हारा वो जब तक अगर तुम्हारा गोल अच्छा है और तुम कंसिस्टेंट हो रहे हो उस गोल के लिए, डेफिनेटली अचीव होगा वो गोल. इतना पर ये टिप आपने खुद तो पहले 6 महीने फॉलो नहीं करी. मैं थोड़ा देखो, मैं इसका रोल मॉडल तो हूँ नहीं मैं किसी का, ना मैं बनने वाला हूँ ऐसे हालत में तो. और बट आई वुड से कि इतना तो सीख ही गया हूँ कि ये सब क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड नहीं करना है. तो मैं बस बता सकता हूँ तुम्हें, फॉलो करना है तो करो वरना नहीं करो. सही है. चलिए, बेस्ट ऑफ फॉर योर यू नो IPM जर्नी दैट लाइज अहेड ऑफ यू. साथ में मैं भी आपको एक टिप दूंगा, जब आप अपने हॉस्टल के लिए पैकिंग कर रहे होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे केटल, आयरन वगैरह ये मत लेकर जाइएगा, क्योंकि कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा तो लेकर आ जाता है और फिर उसकी कॉलेज में जो होती है वो पूरे हॉस्टल में चलती है. तो अगर आप लेकर आएंगे तो आपके अलावा पूरी दुनिया यूज़ करेगी. सो ऑलवेज बी ऑन दी अदर साइड. बट विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट रैप दिस अप. एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू यू नो टॉक टू यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हमने मॉक इंटरव्यूज भी ऑफलाइन यू नो वी हैड अ कॉन्वर्जेशन, सो ही टुक हिज मॉक इंटरव्यूज ऑफलाइन एज वेल. रियली अमेजिंग स्टूडेंट एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ही मेड इट टू आई एम इंदौर. थैंक यू सो मच. एंड यू नो all the very best for that. And that is all about it. To people who are watching this video, Ace IPM has come up with its droppers batch. So if you are one of the droppers, you can also enroll in the same. ये तो अमीर इंसान ने थे, इन्होंने एक भी प्रोमो कोड यूज़ नहीं करा. ऑल दो उस टाइम पर हमारा प्रोमो कोड चालू था, आई गेस लास्ट चांस. तो इन्होंने तो पूरे पैसे दिए थे. बट आपको पैसे बचाना है तो यू कैन यूज़ द प्रोमो कोड रीस्टार्ट एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 3,000 rupees. और इफ इन केस यू हैव यू नो स्कोर्ड हाई इन दिस ईयर IPM एग्जामिनेशन इज वेल, then in that case you can also fill our scholarship form and we can consider that. Even if you are a fresher or you are a 26 aspirant, we have courses coming up for that as well, so you can also join those. That being said, I hope you are you know preparing for IPMET. All the very best for that. I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye bye. Thank you. Ace IPM. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and Ace IPM. Thank you.